जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरकारी पोर्टल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं DRDO रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में, जहाँ पर डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट से एक बार फिर से सीधी भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपको इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, साथ में यहाँ पर आपको कब से कब तक आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी DRDO के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट अपने मोबाइल पर बिल्कुल फ्री में पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलेगा। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए हु कैन अप्लाई, तो यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया की मेल एवं फीमेल यानी कि पूरे भारत के महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए सैलरी के बारे में, तो यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी लगभग 56,100 रुपये पर मंथ की, जिसके लिए सिलेक्शन पाने के लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, सीधे मेरिट बेस के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, से काफी अच्छी वैकेंसी है, चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं DRDO DIPAS भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट से डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलिट साइंस के डिपार्टमेंट से सीधी भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं कि यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए क्या एज लिमिट रहेगी, क्या योग्यता रहेगी, साथ में यहाँ पर आपको इस वैकेंसी के लिए कैसे और कब तक आवेदन करना है, साथ में यहाँ पर आपका इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी क्या दी जाएगी, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी DRDO के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलेगा। साथ ही साथ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग किस राज्य से हैं व किस जिले से हैं, ताकि मैं आपके राज्य व जिले से संबंधित सभी वैकेंसियों की जानकारी आपको सबसे पहले दे पाएँ, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए ऑनेशन नेम के बारे में, तो यहाँ पर डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑनेशन के डिपार्टमेंट से वैकेंसी होने जारी है। जहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए पोस्ट नेम के बारे में, तो यहाँ पर अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती होने जारी है, जिसके लिए अप्लाई मोड रहेगा ऑनलाइन का। बात करेंगे यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए जॉब लोकेशन के बारे में, तो यहाँ पर ऑल इंडिया का रहने वाला है। बात करेंगे यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए हु कैन अप्लाई, तो यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। साथ में इस वैकेंसी के लिए मेल एवं फीमेल यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए अप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए कोई भी अप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली। बात करेंगे यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर आपकी मिनिमम उम्र सीमा 18 वर्ष मांगी गए। वहीं बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए एज में छूट की, तो एज पर गवर्नमेंट रूल यहां पर SC/ST के लिए 5 वर्ष की तथा OBC के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। और फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन केवल और केवल मेरिट बेस के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर 10वीं 12वीं या फिर डिप्लोमा डिग्री पास वाले इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर अगर आप लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी, साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट, साथ में पासपोर्ट साइज का फोटो सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे। और फ्रेंड्स, पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए पे स्केल के बारे में, तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में सैलरी दी जाएगी लगभग 8,000 रुपये पर मंथ की। बात करते हैं यहाँ पर इस
वैकेंसी के लिए वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर सभी राज्यों के लिए वैकेंसी आई है, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते होंगे आवेदन कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के लिए बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की 15 नवंबर 2021, वहीं लास्ट डेट है अप्लाई करने की 14 दिसंबर 2021। जहाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो आपको 14 दिसंबर 2021 के पहले इसका आवेदन करना होगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी व वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग इसी तरह की सरकारी वैकेंसी संबंधित सभी अपडेट अपने मोबाइल पर बिल्कुल फ्री में पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।